हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अप्रैल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। प्रोफेसर नजमा अख्तर को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि प्रोफेसर नजमा अख्तर को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर नजमा अख्तर को। प्रोफेसर नजमा अख्तर को हाल ही में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। वे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की ही नहीं बल्कि दिल्ली स्थित किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। काफी इंपोर्टेंट होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे स्थित है। यह 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट यह कंटेंट होगा क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ में जनरल नॉलेज भी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे वीडियो में, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? आपको बताना है उस तेलुगु कवि का नाम जिन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया। उनका नाम है के शिवारेड्डी। इनके फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। तेलुगु कवि के शिवारेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। के शिवारेड्डी को यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्का की ओटी गिलेते के लिए प्रदान किया जा रहा है। काफी इंपोर्टेंट ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर 10 अप्रैल 2019 को रोक लगा दिया? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर किसने रोक लगाया है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, चुनाव आयोग या केंद्र सरकार? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, इस पर रोक लगाई है चुनाव आयोग ने। इसके बारे में कुछ डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर 10 अप्रैल 2019 को रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी। इस फिल्म पर चुनाव खत्म होने तक रोक लगा दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। काफी इंपोर्टेंट होगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। काफी इंपोर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। भारत की किस आईटी कंपनी ने जनवरी मार्च तिमाही में 8,126 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है? विप्रो, TCS, Google या Amazon IT? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है TCS। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जनवरी मार्च तिमाही में 8,126 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। यह मुनाफा वर्ष 2018 की जनवरी मार्च तिमाही के मुनाफे से 17.7% अधिक है। TCS की स्थापना हुई थी 1968 में, यानी 1968 में, और TCS का जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। काफी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट टीम के कोच रिचर्ड पाइपस को पद से हटा दिया गया? आपको बताना है वह किस देश के क्रिकेट टीम के कोच थे रिचर्ड पाइपस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कोच थे रिचर्ड पाइपस। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से पहले रिचर्ड पाइपस को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कोच के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह फ्लायड रिफर को नया अंतरिम कोच बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किसने पहली बार फिल्म समालोचना और समीक्षा कला में एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है? आपको बताना है कि निम्न में से किसने पहली बार फिल्म समालोचन और समीक्षा कला में एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने हाल ही में
पहली बार फिल्म समालोचना और समीक्षा कला में एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। यह पाठ्यक्रम की घोषणा भोपाल की फिल्म निर्माता राजूला शाह द्वारा संचालित किया जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII भारत के पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। सन 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इस संस्थान को स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। IPL 2019 में कौन सी टीम 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? आपको बताना है IPL 2019 में कौन सी वह टीम है जो 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है मुंबई इंडियंस। IPL 2019 में मुंबई इंडियंस टीम 200 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के क्लब सोमरसेट को पीछे छोड़ दिया है। क्लब सोमरसेट ने 199 मैच खेले थे जो कि मुंबई इंडियंस ने 200 T20 मैच खेले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस देश में फैले दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल में यानी सहारा रेगिस्तान में 251 किलोमीटर लंबी सबसे कठिन रेस आयोजित की है? आपको उस देश का नाम बताना है जहां पर दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान मरुस्थल में 251 किलोमीटर लंबी सबसे कठिन रेस का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है मोरक्को। मोरक्को देश में दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल में 251 किलोमीटर लंबी सबसे कठिन रेस आयोजित की गई है। यह रेस एल मोरबिती ने जीती है। इस रेस में कुल 800 रनर ने हिस्सा लिया था। इस रेस का नाम मैराथन देस साबलेस रखा गया था। अगर बात करेंगे मोरक्को के राजधानी की तो मोरक्को की जो राजधानी यानी कैपिटल है वह है रबट और मोरक्को की जो करेंसी है यानी मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट होगा। वीडियो को आपको लाइक जरूर से कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और आपको कमेंट जरूर से कर देना है, ठीक है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर ने ब्रह्मांड में दिखाई दिए ब्लैक होल को पोवेही नाम? किस विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर ने दिया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर ने ब्रह्मांड में दिखाई दिए ब्लैक होल को पोवेही नाम दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। किस देश के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के इस्तीफा के बाद देश में आपातकाल लागू हो गया? उस देश के बारे में आपको बताना है जहां के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के इस्तीफा देने के बाद आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सूडान। सूडान देश के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के इस्तीफा के बाद देश में अगले 3 महीने तक आपातकाल लागू हो गया है। वर्ष 1989 में सूडान की सत्ता संभाल रहे बशीर के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन जारी था। अगर बात करेंगे सूडान के राजधानी की कैपिटल की तो सूडान की जो राजधानी है वह है खार्तूम और सूडान की जो करेंसी है वह है सूडानी पाउंड। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। नई दिल्ली में 21वीं आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। 21वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में भारतीय और आसियान देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों को कहा जाता है आसियान, जिसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। अगर सदस्य देश की बात करेंगे तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जो है आसियान के सदस्य देश है। देखते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस। हरियाणा के सीईओ राजीव रंजन ने गुरुग्राम में वाटर पार्क का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोगों को निर्देश देते हुए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए विकास सदन भवन परिसर गुरुग्राम में भारत में अपनी तरह के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया। आपको पूछा जा सकता है कि वाटर पार्क कहाँ पर है, तो जो है गुरुग्राम में है। मतदाता देश में मतदान प्रक्रिया और चुनाव के अभिलेखागार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बात करेंगे हरियाणा की कैपिटल की तो चंडीगढ़ जो हरियाणा की कैपिटल है और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वह है सत्यदेव नारायण आर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
अमेरिकी सीमा पर एक रोते हुए बच्चे की फोटो ने विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार 2019 जीता है। एक छोटी लड़की के रोने की खींची गई एक तस्वीर जब उसे और उसकी मां को अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने टेक्सास में हिरासत ले लिया था ने प्रतिष्ठित विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। दिग्गज गेटी फोटोग्राफर जॉन मूर ने 12 जून 2018 को रियो ग्रांडे घाटी में यह तस्वीर ली थी। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डॉक्टर ए के सिंह को लाइफ साइंस एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। जीवन विज्ञान में डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर ए के सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में चौथे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में अगर अनुवाद करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके अगर कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव लिखना है। वीडियो को डिसलाइक करने से बेहतर यह होगा कि आपके जो भी सुझाव होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां क्लिक करके आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।